बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल मिर्च मसाला बाय ताबिंदा। आप सब लोगों को पता है कि फ्राइडे वाले दिन मैं कोई ना कोई स्वीट डिश की रेसिपी अपलोड करती हूँ और मैं कोशिश मेरी ये होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान हो। इसी तरह की रेसिपी मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि है पाइनएप्पल डिलाइट। इसके में बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स यूज़ होंगे, मैं आपको बताती हूँ वो कौन से हैं। इसके लिए हमें चाहिए पाइनएप्पल जेली, पाइनएप्पल के चंक्स और क्रीम और शुगर हमें चाहिए, जो कि हमने ग्राइंड करके रख ली है 3 टेबलस्पून्स। इनकी एक एक की क्वांटिटी होती है, एक पाइन जेली चाहिए होता है, एक टिन पाइनएप्पल का चाहिए होता है और एक क्रीम। अगर आप इसको ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से इसको ज़्यादा कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनता है। सबसे पहले हम पाइनएप्पल जेली बना लेंगे। इस कंपनी की मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ की है, वरना हमेशा मैं रफान की यूज़ करती थी। अच्छा, इसके वो जेली बनाने के लिए आपको ये करना है, क्योंकि इसमें 2 कप्स ऑफ वाटर लिखा हुआ होता है, लेकिन हमें थोड़ी सी टाइट जेली बनानी होती है तो हम 1.5 कप बस पानी लेंगे और उसमें हम ये जेली जमा लेंगे। मैंने इस जेली को ये देखें ये जमा के रख लिया है, ये काफ़ी टाइट हमारी जेली जम गई है। अपनी अब ब्रीजर में हम ये जो हमने क्रीम डाली है ली है इसको हम डाल देंगे और हम इसको बीट करेंगे कि ये थोड़ी सी फ्लफी लाइट हो जाए। क्रीम ये मैं बीट कर रही हूँ, ये अभी फ्लफी नहीं हुई है। इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं फ्लफी होने के लिए, लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने क्रीम के पैकेट को तकरीबन 4 आवर्स के लिए फ्रीज़र में रख दें। जब ये चिल्ड हुई भी होती है क्रीम तो ये बहुत अच्छी फ्लफी हो जाती है। इसको मैं फ्लफी कर रही हूँ और मैं साथ में जो पाइनएप्पल की स्लाइसेस हैं ये वाले, ये काफ़ी बड़े चंक्स हैं, मैं इनको बहुत छोटा छोटा बिल्कुल बारीक चंक्स बना लूँगी। तो मैं ये ब्रीजर ऑन कर रही हूँ। ये देखिए हमारी क्रीम की क्वांटिटी ऑलमोस्ट डबल हो गई है और ये काफ़ी थिक भी हो गई है। अब हम इसके अंदर बाकी सब चीज़ें ऐड करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखें ये हमारी इतनी फ्लफी हो गई है, इसकी क्वांटिटी डबल हो गई है। जितनी अच्छी आपकी क्रीम चिल्ड होगी उतनी अच्छी ये फ्लफी हो जाएगी। पाइनएप्पल के चंक्स को मैंने इतना छोटा कर लिया है, ये देखें बहुत छोटा छोटा सा कर लिया है। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और ये जो पाइनएप्पल जेली है इसको हम फोक से, देखिए बहुत टाइट है क्योंकि हमने पानी कम यूज़ किया था तो ये बहुत टाइटली बनी है, तो हम इसको इस तरह मिक्स करेंगे। इसके भी चंक्स छोटे छोटे हो जाएंगे। और ये भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपकी सारी चीज़ें तैयार हों तो आपको कोई टाइम नहीं लगता इस मीठे को बनाने में, सिर्फ इसकी प्रेपरेशन की बात होती है। बहुत जल्दी और बहुत ही टेस्टी, जस्ट लाइक एन आइसक्रीम ये डिज़र्ट तैयार हो जाता है। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पाइनएप्पल जूस ऐड करेंगे, जो पाइनएप्पल जूस इसके टिन में से निकलता है वही जूस इसमें ऐड करेंगे, बस 3 टेबलस्पून के करीब। और अब शुगर की बारी आती है। अगर आप लोग मीठा थोड़ा सा ज़्यादा खाते हो तो आप चेक करके और फिर उतनी ही शुगर डाल लीजिए। वैसे इसमें 3 टेबलस्पून ज़रा नॉर्मल चीनी मीठा रहेगा। ये सारी चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर दी हैं। 3 टेबलस्पून जो शुगर मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट रही है इसके लिए। अब हम इसको बस डिश आउट कर लेंगे। आप देखिएगा ये सब लोगों को कितना पसंद आएगा और डिफरेंट भी लगेगा। ये देखें हमने इसको डिश आउट कर लिया है। ये इस तरह से इसमें पाइनएप्पल के और जेली के चंक्स आते हैं और जेली डालने की वजह से क्रीम खुद ब खुद येलो भी हो गई है, और क्योंकि हमने पाइनएप्पल जूस भी डाला है इसलिए क्रीम में पाइनएप्पल का फ्लेवर भी आ गया है। अब आप इसको डिश आउट कर लीजिए और इसको चिल कीजिए और फिर आप इसको सर्व की करें। मैं इसकी सर्विंग बिल्कुल सिंपल रखूंगी, सिर्फ एक मैं इसके बीच में ये पाइनएप्पल का स्लाइस रख दूंगी
और मैं इसको फिर सर्व कर लूँगी। अब आप इसको ठंडा कीजिए और इन्जॉय कीजिए। मैंने इसको 2 से 3 घंटे फ्रिज में ठंडा कर लिया है। ये पाइनएप्पल और सारा कलर ज़रा सा मुझे मोनोटनस सा लग रहा था, तो मैंने इसके बीच में ये जैम डाल दिया है। अगर आपके पास चेरी हो तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है, चेरी ऑन दी टॉप हो जाएगा। तब आप इसको सर्व कीजिए, इन्जॉय कीजिए। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर एंड लाइक दी वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगी नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। वो मैंने आपको एक एक पैकेट का बता दिया था कि एक पैकेट में एक डिश तैयार होती है, जिसमें हम एक पाइनएप्पल का टिन लेते हैं, एक क्रीम और एक ही हम लेते हैं उसके अंदर जेली का पैकेट। ये मैंने 3 पैकेट्स क्रीम लिए हैं, 3 पाइनएप्पल्स और 3 जेली के। ये देखें, इसमें इतना बड़ा बोल हमारा अच्छा सा रेडी हुआ है, जो कि एक फैमिली गेट टुगेदर के लिए इनफ होता है।